तारीख में हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज वन जो हमने डील किया था उसका क्वेश्चन आंसर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके बैठिए और हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे पहला का क का आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन है हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, तो लिखेंगे व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से सही और शुद्ध ढंग से
प्रकट कर सकता है। यदि भाषा नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही जो है वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे विचार को, हमारी भावना को, हम जो बोल रहे हैं उसको वो सुन करके वो समझ सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर आ जाइए, जैसे एक क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम और बोले जाने वाले भाषा, पड़ोसी देश के नाम आप जानते ही हैं और उसका भाषा लिखना, ये आप लिख लेंगे। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो ठीक से, और गलत के लिए गलत का निशाना, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक मार देंगे, सही है, बाजार सामान लेकर आया मैं से, गलत है, गलत कर देंगे, राजा मेरा भाई और रानी मेरी बहन, सही है, तुम्हारा घड़ी में क्या बजे हैं, ये गलत है। अब सात नंबर का रिक्त स्थानों की पूर्ति ध्यान से सुनिएगा। भाषा के माध्यम से हम अपने डैश को प्रकट कर सकते हैं, तो वहां क्या लिखेंगे, भावों। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, क्या लिखेंगे, व्याकरण। डैश के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं, तो क्या लिखेंगे, व्याकरण। और हम दूसरों के विचार डैश और डैश समझ सकते हैं, हम दूसरों के विचार सुनकर और लिख कर समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के चारों उत्तरों में से सही उत्तर चुनो और उसका अक्षर खाने में लिखो। जैसे कौन सा मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा गॉ, बैंक का चेक। कौन सा लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है, इसका हो जाएगा घ, रेडियो वार्ता। रेडियो वार्ता जो है वो लिखित भाषा का उदाहरण नहीं है। गधे की आवाज को क्या कहते हैं, इसका तो आप जानते ही हैं, कौन नंबर लिखेगा, रमखाना। मौखिक भाषा की छोटी इकाई यदि ध्वनि है तो लिखित भाषा की इकाई डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी लिखित भाषा की इकाई क्या है, वर्ड। समझ आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज टू में आइए। एक्सरसाइज टू में तो आप अभी पढ़ेंगे और बाकी फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर डालेंगे। आप विधिवत जो है सारे कामों को ठीक से किया कीजिए। वर्ण, तुमने पिछली कक्षाओं में हिंदी की वर्णमाला सीखी, वर्णमाला में कुछ और चिन्ह भी है, इस कक्षा में हम हिंदी की पूरी वर्णमाला करते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में क्या करते हैं, तो आप भी जानते हैं, अल्फाबेट है। अंग्रेजी की अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 वर्ण, हिंदी की वर्णमाला में औ से स्वर तक कितने वर्ण हैं, 52, 52। ठीक है, तो इसमें स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण में ये स्वर को रखा गया, ओ आ हर्षई दीर्घई हक्षो दुर्गौ री ए ऐ ओ औ अंग अ, व्यंजन में रखा गया क से लेकर के स्र तक। अब है कि स्वर और व्यंजन क्या है, लेकिन आप इसमें जानिए अंग और अ, अंग को हम अनुस्वार करते हैं, चंद्रबिंदु और चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक में रखेंगे, और अह जो है वो हम विसर्ग से कर रहे हैं। ठीक, अब स्वर और व्यंजन जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो स्वर और व्यंजन है कि स्वर वर्ण वे हैं, इसमें तो आपका डिटेल दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, स्वर वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। ठीक है, और व्यंजन वर्ण है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से ली जाती की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लिखते हैं को हलंत जोर, यदि हम उसमें स्वर अ जोड़ेंगे तब ये वो बनेगा को। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर वर्ण का सहायता लिया तब वह मिलकर के एक शब्द बना, नहीं तो जब तक वो स्वर वर्ण का सहायता नहीं लेगा, स्वर वर्ण हम उसमें नहीं जोड़ेंगे तो वो अधूरा वर्ण बनेगा, वो पूरा नहीं होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से व्यंजन वर्ण आपको बता दिए। अब आइए संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन है कि जैसे जब किसी स्वरहीन व्यंजन का मेल स्वरयुक्त किसी अन्य व्यंजन से हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क हलंत जोड़ मूर्धन स बराबर अक्ष होगा, ज हलंत जोड़ या बराबर क्या होगा, ज्ञान होगा, द हलंत जोड़ यो क्या होगा, दो संयुक्त, त हलंत जोड़ रो क्या होगा, त्रो, तालव सौ जो हलंत जो रो क्या होगा, स्रो, ये सभी संयुक्त व्यंजन में आएगा। ठीक है, दवित व्यंजन है कि एक समान दो, जैसे एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आ
जाते हैं और द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे तो अंत जो टॉप देंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे तो हलंत जो तो देंगे तो ये क्या होगा, तो सुन। अब इससे हमको कोई शब्द बनाने के लिए कहेगा तो हम जो है पत्ता लिख सकते हैं क्या। तो इसको हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। ध्यान रखना है, रेप का प्रयोग जब रौ किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन के साथ उच्चरित होता है तो जैसे कोहलंत जो रो बराबर क्या हो, क्रो कौरो सुन। अब उससे कोई शब्द बनाना है तो क्या बनाएंगे, क्रम। जब रो स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो रो व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे क जो रो हलंत जो मो कर्म हो गया। ये तो आपका जब वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो उसमें सारा वर्ण अलग अलग हो जाता है, व्यंजन अलग स्वर अलग, तो आप जो है उसी को कहा जाता है क्या, वर्ण विच्छेद। री की मात्रा का उच्चारण भी री की तरह होता है, जैसे मो में री कार गो मृग, ठीक है। तो उसी तरीके से अवर्ण विच्छेद है, आपको देखिए अभी जस्ट हम मौखिक रूप से बोले हैं फिर भी आप एक वर्ण विच्छेद देखिए, जैसे हम लिखते हैं भारतीय और हमको कहेगा इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करेंगे, भलंत जोर आ जोर रो हलंत जोर ओ जोर तो हलंत जोर दीर्घई जोर यो हलंत जोर ओ, ये क्या होगा भारतीय, समझ में आ गया। उसी तरीके से अब वर्ण और चिन्ह क्या है, जैसे कई शब्दों में रो और रो का प्रयोग होता है, जैसे बड़ी रो का होगा तो बड़ा ढो, जैसे बूढ़ा उसमें रो आएगा रो नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से तो ये जितने भी टॉपिक है इसको बढ़िया से पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह की आवाज ह जैसी होती है, इसे विसर्ग कहा जाता है। अक्षोत्र ज्ञान तथा स्र ये संयुक्त व्यंजन है, जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इतने सारे टॉपिक को आप ठीक से पढ़ेंगे, आप एचडब्ल्यू में लिखेंगे एक्सरसाइज 1 लर्न इट ऑल और एक्सरसाइज 2 रीड नाइसली, क्योंकि एक्सरसाइज अभी जो 2 हम डील किए हैं जब तक आप उसको एक बार पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, इतना काम आपको करना है, फिर भी कोई समस्या होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, फिर हम उसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।